तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट ओपन चेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। और ओपन चेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके किसके अबाउट होगा? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम बोले थे, मल्टीपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में क्या क्या हो सकता है? सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, यही तो मेरे, या एन डबल बॉन्ड, ये मेरे सिलेबस का पार्ट रहेगा, राइट। तो पहले वन बाई वन देख लेते हैं, व्हाट द कंडीशन या क्राइटेरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट सी डबल बॉन्ड सी। देखिए, तो किसी भी जिस सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, पहले तो उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शायद थोड़ा बहुत बताया भी होगा, एक्टिव डबल बॉन्ड बोल देंगे, राइट। और इसमें होना क्या चाहिए? बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो भी दो ग्रुप रहेगा स्टूडेंट, वो आपस में डिफरेंट होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी एंड एम नॉट इक्वल टू एन, करेक्ट ना। इसका मतलब है कंडीशन एक लाइन में बोलना पड़ेगा, और एक लाइन में अगर कंडीशन को बोलना है तो बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली, राइट। मतलब ये दोनों आपस में डिफरेंट होना चाहिए, ये दोनों आपस में डिफरेंट। मैंने ये नहीं बोला कि ये जो यहाँ रहेगा वो यहाँ नहीं रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लिखे तो एक लाइन लैंग्वेज देते हैं, बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन, तो जल्दी लिखिएगा, बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली, मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली, करेक्ट ना। इसका मतलब ये हो गया, इन चारों में किसमें किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, किसमें नहीं होगा? क्या पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अबाउट दिस डबल बॉन्ड? एक कर रहा है, एक कर रहा है, ए भी कर रहा है, एक कर रहा है, एक कर रहा है, किस डबल बॉन्डेड कार्बन की वजह से? इस डबल बॉन्डेड कार्बन की वजह से या इस डबल बॉन्डेड कार्बन की वजह से? इसके वजह से, राइट। इसका मतलब ए नहीं करेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नीचे नोट करके एक लाइन लिखिए, दोज डबल बॉन्ड अबाउट विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, दोज डबल बॉन्ड अबाउट विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल आर कॉल्ड एक्टिव डबल बॉन्ड। हो गया ना।
अब देखिए मेन वजह क्या है, ये तो हो गया शॉर्टकट ट्रिक। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी में मेन रीजन है डिस्टेंस का, करेक्ट ना? जिस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमियम आप एनालाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए बी एम एन, तो इन चारों के बीच में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इन चारों के बीच में जितना टाइप का आपको डिस्टेंस मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ए है और वन कॉन्फिग्रेशनल को दूसरे कॉन्फिग्रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, वन कॉन्फिग्रेशनल को दूसरे कॉन्फिग्रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एटलीस्ट एटलीस्ट वन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, रोटेट करते हैं, राइट? तो अगर यहाँ से यहाँ पे देखिए, ए और एम के बीच में डिस्टेंस अगर L1 है और ए और एन के बीच में डिस्टेंस L2, करेक्ट? तो यहाँ पे कितने टाइप का आपको डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ इसके दो ग्रुप है, इसके दो ग्रुप के बीच में, तो सर ए से एम का डिस्टेंस L1, ए से एन का डिस्टेंस L2, फिर बी से एम का डिस्टेंस L2, मोटा मोटी L2 ही है, राइट? अब बी से एन का डिस्टेंस L1, तो सर जितना भी चार ग्रुप है, जिस इस ये दो में से जितना भी ग्रुप बना, उसमें वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस, राइट? बट यहां पे देखिए, यहां पे ए और एन के बीच का डिस्टेंस L2 था, वहां पे ए और एन के बीच का डिस्टेंस L2 रहा, इसका मतलब किसी भी दो के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है, किसी भी टू पार्टिकुलर ग्रुप, यहां का कोई दो, यहां का कोई दो में से जो ग्रुप बनाए थे, उसे कोई भी डिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगा, मतलब वो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो गया, डिफरेंट कंपाउंड हो गया, करेक्ट ना? इसका मतलब यहाँ पे अगर एक भी डिस्टेंस चेंज मिल गया है, यहाँ पे देखिए ए और एन यहाँ पे ही तो डिफर कर गया, यहाँ पे ए और एन का डिस्टेंस L2 था, यहाँ पे ए और एन का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया L1, करेक्ट? तो ए और एन का, बाकी तो दूसरे का चेक करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे एक भी डिस्टेंस डिफर कर गया, जो ग्रुप यहाँ पे सोच रहे थे, इसका इसके साथ यहाँ पे दो ग्रुप बनेगा, ए का एम का, ए का एन का, यहाँ पे इसका साथ दो ग्रुप बनेगा, उन दोनों से किसी भी जितना भी ग्रुप आपने बनाया, चार ग्रुप, उसमें किसी कोई भी डिस्टेंस अगर डिफर कर रहा है, मतलब वो डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन है, और डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन में वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल है, राइट? इसका मतलब एक कंपाउंड और एक कंपाउंड आपस में क्या है, एक, तो ये तो हम लोग मेन रीजन बता रहे थे, ज्योमेट्रिकल तो है ही, बट मेन रीजन यहाँ पे क्या देखना है, ज्योमेट्रिकल में डिस्टेंस देखना है, करेक्ट? किसका डिस्टेंस, यहाँ जो दिख रहे हैं और वो वही सेम ग्रुप का डिस्टेंस अगर वहाँ देखते हैं, तो डिस्टेंस का डिफरेंट डिफरेंट नजर आना चाहिए, डिफरेंस नजर आना चाहिए। ए और एन का और बी और देखिए, अब वो तो डिपेंड करता है साइज का, लेकिन मोटा मोटी साइज को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो साइज को, हाँ रेजोनेंस वगैरह अगर सोचते हैं, कुछ भी अगर ऐसा सोचते हैं तब तो अलग बात है, बट अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा, सिंगल बॉन्ड है मान लेते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह को इग्नोर कर दिए, रेजोनेंस अगर नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, साइज भी इग्नोर कर दिया, सिर्फ मोटा मोटी ये डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, स्पेस का डिस्टेंस, तब उस केस में ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल, राइट? अब यहां देखिए, ए से एम का डिस्टेंस L1 है,
और यहाँ से ए से एम का डिस्टेंस एल टू मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ए से एम का डिस्टेंस एल वन, ए से एम का डिस्टेंस दो, यहाँ पे दो एम है ना, तो दोनों का अलग अलग देख लेते हैं। एक ए है साइड बाई एक डायगोनल के कॉल अक्रॉस एल टू, बी का भी बी से एम का डिस्टेंस एल वन है और बी से एम का डिस्टेंस एल टू है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ भाई? इसको आप तोड़कर रोटेट भी करते हैं और बी को ऊपर और ए को नीचे, क्योंकि इसको रोटेट करके इस पार्ट को रोटेट करते तो पता ही नहीं चलता कि हाँ ब्रेक भी किए हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इस पाइबोन को ब्रेक ब्रेक कर दिया, इसको कांस्टेंट रखा, इसको रोटेट कर दिया, राइट। अब देखिए तो यहाँ से ए से एम का डिस्टेंस सर एल वन और ए से एम का डिस्टेंस एल टू, राइट। बी से एम का डिस्टेंस एल वन और बी से एम का डिस्टेंस एल टू, कोई भी डिस्टेंस डिफरेंट मिल पाया है आपको? ये नहीं लगता कि ए से जो दो ए से ए का एम के साथ जो दो टाइप का डिस्टेंस था वही डिस्टेंस यहां भी है, अब बी का एम के साथ जो दो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस यहां भी है। दिस इज द वजह कि ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं रहेगा, करेक्ट। तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है रहेगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में आइसोमर है ही नहीं, सेम ही कंपाउंड है, रिपीटेड है, राइट। बोथ आर डिफरेंट या बोथ आर आइडेंटिकल? बोथ आर आइडेंटिकल, हो गया ना। लिखते जाइएगा, देखिए इन चार में से किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, किसमें नहीं होगा? इसमें तो होगा, बोलिए क्यों? इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप है, कौन कौन सा नाम बताइए तो, एच और मिथाइल। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप है, एच और मिथाइल, राइट। तो सर ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, इसमें यहाँ भी होगा, इसमें हाइड्रोजन और मिथाइल और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, राइट। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, किसके वजह से नहीं होगा? इस कार्बन की वजह से नहीं हुआ या इस कार्बन की वजह से? हाँ हाँ आइसोटोप भी रहेगा तो उसको डिफरेंट ग्रुप मानिएगा, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में कहीं पर नोट कर लीजिए, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में आइसोटोप को भी डिफरेंट ग्रुप ट्रीट करना है, इसलिए डिफरेंट ग्रुप ट्रीट करना है क्योंकि आपको सीआईपी रूल में तो उसका प्रायोरिटी अलग था ना, ठीक है। इसका मतलब किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, तो इसमें इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे हाउ मेनी डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में? थ्री। आउट ऑफ थ्री हाउ मेनी एक्टिव डबल बॉन्ड?
क्या इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिक क्लास में हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है, इसके अबाउट होगा, राइट? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे 1H है, इधर का पूरा एक ग्रुप 1H है, ये पूरा ग्रुप जैसा ट्रीट करेगा, राइट? इसका तो आउट ऑफ 3 डबल बॉन्ड हाउ मेनी एक्टिव डबल बॉन्ड? 1 एक्टिव डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए तो कितना एक्टिव डबल बॉन्ड है, इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट होगा, बट इसके अबाउट नहीं होगा, राइट? मतलब इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इसके अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, राइट? तो स्टूडेंट डबल सी डबल बॉन्ड सी में तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे किसके अबाउट होगा किसके अबाउट नहीं होगा। ओके अभी सिर्फ हम लोग ओपन चेन का काम कर रहे हैं, ठीक है? अब यहां देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी डबल बॉन्डेड एटम रहेगा उस पर दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए इंडिविजुअली, राइट? मान लेते हैं कि यहां पे है CH3, अब हम लोग C डबल बॉन्ड N का कंसीडर करते हैं। C डबल बॉन्ड C का तो पहचान लीजिएगा। अब C डबल बॉन्ड N के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, NH CH3CH। देखिए तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सी डबल बॉन्ड एन के अबाउट होगा या नहीं होगा? नहीं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा अबाउट सी डबल बॉन्ड एन? होगा। वजह इस कार्बन इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, राइट? एंड लोन पेयर ऑल्सो बिहेव लाइक ए ग्रुप, ओके एवरीवन? लोन और ऐसे भी लोन पेयर को नहीं भी मानते हैं तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस यहां पे L1 है और CH3H डबल बॉन्ड N, तो यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस क्या वही डिस्टेंस है जो यहां पे है या डिफरेंट डिस्टेंस हो गया? तो भाई डिस्टेंस का ही तो मेन गम है, डिस्टेंस डिफरेंट है तो मतलब डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, राइट? इसका मतलब है कि और वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में लोन पेयर कॉन्फ़िगरेशनल का मतलब मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों को बात कर रहा हूँ, राइट? तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में लोन पेयर ऑल्सो बिहेव लाइक ए ग्रुप, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर लोन पेयर ऑल्सो बिहेव लाइक ए ग्रुप, तो ग्रुप का जो CIP रूल्स प्रायोरिटी टेबल पढ़ाया है, प्रायोरिटी जो निकालने के लिए, तो उसमें लोन पेयर को क्या प्रायोरिटी देते हैं? लोन पेयर को सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, राइट? ये कहीं पे ना कहीं पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। हम लोग प्रायोरिटी निकाले हैं ना पिछले क्लास में, तो लोन पेयर का प्रायोरिटी सबसे नोट कर लीजिए, बाद में भूल जाइएगा।
सीआईपी रोल में लोन प्रायोरिटी सबसे हाई देंगे या सबसे लो देंगे? चलिए, हो गया ना? इसका मतलब है कि यहाँ भी ज्योमेट्रिकल अश्विन होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड एक्टिव डबल बॉन्ड है, इसका दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, नो डाउट यहाँ पे एक कार्बन एक नाइट्रोजन, बट बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल एच, यहाँ पे हाइड्रोजन और लोन पेरिज, राइट? यहाँ पे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। किसके वजह से? नाइट्रोजन के वजह से या कार्बन की वजह से? ओके ओके, यहाँ पे होगा या नहीं होगा? सी डबल बॉन्ड ओ देखते हैं, राइट? तो सर यहाँ पे तो सिचुएशन ये है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, राइट? बट दोनों तो लोन पे, तो लोन पे रहे, दोनों आइडेंटिकल हो गया, राइट? इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अबाउट सी डबल बॉन्ड ओ ज्योमेट्रिकल आइसोमियो आज के बाद हम लोग नहीं सोचेंगे, इज इट राइट? बट व्हाट अबाउट सी डबल बॉन्ड एन? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इज इट राइट? यहाँ देखिए N2H, यस, N2H2, इसका नाम है, ये आपको रिएक्शन में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट? इसका नाम है डाइआइमाइड, इसका स्ट्रक्चर ये है। डाइआइमाइड में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, करेक्ट? यहाँ देखिए, यह सीस, यह ट्रांस, और सीस ट्रांस अभी नहीं पढ़ाया हूँ, बट इतना तो पता होगा ना। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्टिव डबल बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन पे भी टू डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली, लोन पेयर हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन यहाँ तो, और जब सेम ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ाए थे, राइट? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और नहीं पढ़े तो जानिए, जस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो एक्टिव डबल बॉन्ड के अबाउट अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड होता है तो उसको बोलते हैं सिस, और अपोजिट साइड रहता है तो ट्रांस, तो इसको एक्चुअली बोलते हैं सिस। नाम क्या है? एमाइड नहीं, आईमाइड, डाई आईमाइड, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस डाइमाइड। तो अब कंक्लूड करते हैं, ओपन चेन में डबल बॉन्ड के अबाउट किसके किसके अबाउट होगा? सीसी के अबाउट हो सकता है, सीएन के अबाउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सीसी के अबाउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन के अबाउट पक्का होगा ही होगा, राइट?
लेकिन सी डबल बॉन्ड एक ओ के अबाउट नहीं होगा, और जो सी डबल बॉन्ड सी अबाउट सी डब अबाउट सी डबल बॉन्ड अबाउट क्या लिख रहे थे? हाँ नहीं, हाँ, जो अबाउट सी डबल बॉन्ड सी में जो कंडीशन था उसके पीछे मेन रीजन था डिस्टेंस का। इंडिविजुअल कंडीशन तो था कि दोनों इंडिविजुअली डबल बॉन्डेड कार्बन पे या डबल बॉन्डेड एटम पे टू डिफरेंट ग्रुप होगा, बट उसके पीछे का मेन सेंस क्या था? डिस्टेंस फैक्टर था। ठीक है, अब लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म अबाउट सी डबल बॉन्ड सी, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म अबाउट सी डबल बॉन्ड सी तो नोमेनक्लेचर का पहला मेथड क्या रहेगा? सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। पॉइंट बनाइए, दिस नोमेनक्लेचर अप्लीकेबल ओनली व्हेन। सिस ट्रांस क्या है? सिस ट्रांस जस्ट एक नाम है, राइट? कहां पे यूज होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म में। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इज, दिस नोमेनक्लेचर इज अप्लीकेबल ओनली इफ टू डबल बॉन्डेड कार्बन, टू डबल बॉन्डेड कार्बन हैव एटलीस्ट वन एटम, टू डबल बॉन्डेड कार्बन हैव एटलीस्ट वन एटम और ग्रुप कॉमन, टू डबल बॉन्डेड कार्बन हैव एटलीस्ट वन एटम और ग्रुप कॉमन। सेकेंड पॉइंट इसी में बनाइएगा, एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड सीस। पहला था कंडीशन सीस ट्रांस नोमेनक्लेचर होने का। सेकेंड पॉइंट, इफ एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड सीस इफ आइडेंटिकल एटम आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड सीस इफ आइडेंटिकल एटम और ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। एंड इट इज कॉल्ड ट्रांस इफ आइडेंटिकल ग्रुप आर जस्ट अपोजिट साइड आर जस्ट अपोजिट साइड अबाउट सी डबल बॉन्ड सी। चलिए यहां पे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, वैलिड है या नहीं है? क्यों सर? जिस डबल बॉन्ड के अबाउट होगा उसमें बस एक ही ग्रुप, एटलीस्ट वन ग्रुप सिमिलर होने से हो गया,
तो सर यहाँ पे सिमिलर है राइट, तो यहाँ पे सिस ट्रांस नॉमक्लेचर होगा, यहाँ पे सिस ट्रांस नॉमक्लेचर होगा या नहीं होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ पे सिस ट्रांस नॉमक्लेचर होगा या नहीं होगा सर, यहाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म ही नहीं होगा राइट। पहला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म होगा या नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म होगा, सिस ट्रांस नॉमक्लेचर होगा या नहीं होगा, सिस ट्रांस नॉमक्लेचर नहीं होगा। इसका मतलब सिस ट्रांस एक नॉमक्लेचर था, नाम नहीं होने से ऐसा नहीं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म नहीं होगा, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म का सबसे आइडियल कंडीशन को सेटिस्फाई करा राइट, ऑल आर डिफरेंट। इसको हटाए, क्लास लेने से पहले एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप किया समझे, इसलिए थोड़ा सा उस टाइम से थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हूँ। कैसे हो अब भाई, अचानक से कोई पूछेगा कैसे हो तो लाइक कोई जान पहचान का है राइट। मैं बोला ठीक हूँ और क्या बोलेंगे। ओके उसके बाद और बताऊँ, कोई कुछ बताने को तो है नहीं, पहचाना नहीं। मैं बोला तुम कौन, तो बोलता है मैं आपका शुभचिंतक। हम के तो बढ़िया बात है, कोई अपना ही बोल सकता है ऐसे। उसके बाद बोलता है मेरा इतना पैसा तुम खा गए। हम कह रहे यार पैसा आज तक तो पढ़ाने वाला काम करते, खाने वाला तो काम करते नहीं है। मतलब ये परसों तरसों भी दूसरा मेरा कैटलिस्ट का नंबर है, तो एक सेटिंग होता है ना जिसमें बिना मेरे परमिशन के कोई मुझे ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता है, जानते हो तुम, आज कर देंगे सब में ठीक है। तो एक ऐसे ही ग्रुप में कैसा कैसा लोगों तक, देखिए करने के लिए तो साइबर सेल में जाके रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन आदमी सोचता है क्या बचना चाहता है, छोड़ो क्या जाएंगे रिपोर्ट करेंगे राइट। और जो ऐसा काम करेगा वो रियल में तो एड्रेस रखेगा नहीं, तो जिनमिन आदमी है वो ना रियल में एड्रेस रखेगा, फेक ही रहेगा। इस ऐसे नंबर का जो यूज़ करेगा वो क्या रहेगा, बहुत कम चांस रहेगा। ऐसे ही ये मेरा नंबर नहीं, कुछ और जो कैटलिस्ट का नंबर है जिस पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ये करता हूँ, तो देखिए किसी ऐसे ही ग्रुप में ऐड कर दिया। अचानक से मैं भी रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, आया वो देखा 400 4 से 5 दिन की पहले की बात है, फिर उसको हटाया। सोचिए तो फिर कॉल कॉल कर रहा हूँ उसको, कॉल भी नहीं उठा रहा है, कम से भाई कॉल तो उठा लो। ट्रू कॉलर पे पता किए तो लिखा हुआ है, अब उसका नाम भी मैं ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ, TUTAN, क्या होता है इसका इसका मतलब, TAN, TUTA, यस ट्रू टू कॉलर, ट्रू कॉलर में आता है ना टूटन डीजे आसाम। अच्छा नाम नहीं है, अच्छा ऐसे फेंक रख दिया है, मिला कोई नाम है ये। चलिए जाने दीजिए क्या कीजिएगा, थोड़ा फिरकी ले रहा होगा, होता ना मजे लेना कोरोना में। नहीं ब्लॉक कर दिया, अरे बात तो कम से कम कर लो भाई, जब मजा ही लेना है तो थोड़ा सा 2 मिनट मैं भी बात करके ले लूँगा, बात तो करो कम से कम, तब तो समझ में आए।
थोड़ा सा वीडियो पॉज करो तो रोशन, ये बहुत चीज होगा, कौन सा ट्रांस होगा? ये सीस होगा और ये ट्रांस रहेगा। किसके रेस्पेक्ट में सीस बोल रहे हैं सर? एच और एच के रेस्पेक्ट में, राइट? ये सीस है या ट्रांस है? ये है सीस। किसके रेस्पेक्ट में सर? यहां तो किसी के भी रेस्पेक्ट में बोलिए, बोथ आर सिमिलर, राइट? अरे सीस या ट्रांस? ट्रांस। एक किसके रेस्पेक्ट में? तो सर किसी के रेस्पेक्ट बोलिए, यहां पे बोथ आर सिमिलर, राइट? बट यहां पे सीस ट्रांस नहीं होगा, राइट? तो भाई जहां पे सीस ट्रांस नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है और सीस ट्रांस नहीं हो रहा है, जैसे जो भी आइसोमेरिज्म हो रहा था तो कुछ तो नाम दे रहे थे, स्ट्रक्चरल में कुछ नाम था ना, पोजिशनल है, मेटामर्स है, कीटोइनोल है, राइट? तो यहां भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो जहाँ पे सीस ट्रांस ट्रांस फेल कर जाएगा, वहाँ पे एक नया मेथड है, दैट इज कॉल्ड ईजेड नोमेनक्लेचर, राइट? ईजेड नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिखिए एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड जेड आइसोमर, पहला पॉइंट बनाकर, एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड जेड आइसोमर इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड जेड आइसोमर, जेड एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर कॉल्ड जेड आइसोमर इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड एंड इट इज कॉल्ड ई आइसोमर एंड इट इज कॉल्ड ई आइसोमर इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड इसका मतलब यहाँ पे है, यहाँ देखिए, यहाँ पे दो ग्रुप है ना, इन दोनों में से, यहाँ देखिएगा, इन दोनों से कोई हायर रहेगा कोई लोअर रहेगा, और इन दोनों से भी कोई हायर रहेगा और कोई लोअर रहेगा, दोनों यहाँ का हायर और यहाँ का लोअर मतलब हायर और हायर अगर सेम साइड है तो लोअर लोअर भी सेम साइड हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? जेड आइसोमर, ठीक है? इसका मतलब है कि यहाँ देखना, 1, 2, 3, 4, इन चारों में एक ऑर्डर नहीं निकालना है कि सबसे हाईअर कौन सा है, उसके बाद कौन रहेगा, इन दोनों में आपस में निकालना है, इन दोनों का जो हाईअर है वो अगर दोनों का हाईअर अगर सेम साइड में रहेगा देन इट इज़ कॉल्ड जेड आइसोमर। और यहाँ का हाई, आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? इसे क्या बोलेंगे? ई आइसोमर, समझ गए?
ये तो ऑब्वियस बात है ना कि अगर हायर दोनों सेम साइड रहेगा तो लोअर भी दोनों सेम साइड हो जाएगा, राइट? और यहाँ का हायर और यहाँ का हायर जस्ट अपोजिट साइड, अपोजिट साइड से है, मतलब नहीं कि इसका कौन सा हायर, जस्ट डायगोनल रहेगा, राइट? इसको यहां से समझिए, यहां देखिए स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसमें और इसमें किसका प्रायोरिटी ज्यादा, सीआईपी रूल में ए हायर है, ए लोअर है, और सीएलएच में ए हाई है, ए लो है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू इजेड नॉमिनक्लेचर इसको जेड बोलना चाहिए या ई बोलना चाहिए? जेड। और यहां पे सीस और ट्रांस होगा या नहीं होगा सर? यस, ये सीस भी है, राइट? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर यहां पे सीस नॉमिनक्लेचर भी वैलिड है और जेड नॉमिनक्लेचर इजेड भी वैलिड है, राइट? इसको यहां पे सीस ट्रांस भी तो वैलिड है क्या? इस सीस ट्रांस नॉमिनक्लेचर का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, बट इजेड नॉमिनक्लेचर के लिए क्या आपको बोला गया कि किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई भी ग्रुप सिमिलर हो? नो। बताइए सिस ए ई है या जेड है? तो ए है ई आइसोमर, करेक्ट? और सिस है या ट्रांस है? ट्रांस, ओके। बताइए ई या जेड? ये हाई और लो समझ रहे हैं सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग, सीस या ट्रांस? नहीं होगा। तो यहां से क्या समझे, कौन सा नॉमिनक्लेचर ज्यादा सुपीरियर है? इसका मतलब जहां पे सीस ट्रांस हो सकता है वहां पे भी इजेड हो सकता है, जहां पे सीस ट्रांस नहीं हो सकता है वहां भी इजेड हो सकता है। तो किसका डोमेन बड़ा है नॉमिनक्लेचर का? सर इजेड का बड़ा है, राइट? ये दो एग्जाम्पल से तो हम लोग यहाँ पे जो बोर्ड पे है उस एग्जाम्पल से तो यही पता चल रहा है कि जहाँ पे सीस ट्रांस होगा वहाँ पे भी इजेड हो सकता है, और जहाँ पे सीस ट्रांस नहीं होगा वहाँ भी इजेड हो रहा है। मतलब ई एंड जेड नॉमिनक्लेचर आर मोर एंड मोर जनरलाइज्ड विथ रेस्पेक्ट टू सीस एंड ट्रांस, राइट? ये हाई है और ये हाई है, इसको क्या बोलिएगा? ई आई, समझ गए? लिखिए नोट करके कंक्लूजन, इजेड नॉमिक्लेचर आर मोर एंड मोर जनरलाइज विथ रेस्पेक्ट टू सीस एंड ट्रांस। बट जहां पे सीस और ट्रांस और ई और जेड दोनों हो रहा था, तो आप माइन्यूटली ऑब्जर्व किए होंगे कि जो सीस है वो जेड है, राइट? जो ट्रांस है वो ई है, राइट? एक लाइन लिखे तो, इन मेनी केसेस सीस आइसोमर विल बी जेड आइसोमर, इन मेनी केसेस सीस आइसोमर विल बी जेड आइसोमर
एंड ट्रांस आइसोमर विल बी ई आइसोमर. इन मेनी केसेस सिस आइसोमर विल बी जेड आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर विल बी ई आइसोमर. हाउएवर दिस इज नॉट ए रूल. हाउएवर दिस इज नॉट ए रूल. सिस या ट्रांस? ट्रांस. ई या जेड? ई. सिस या ट्रांस? सिस. ई या जेड? यस ई. इसका मतलब है कि देखिए, इसलिए मैं बोला था दिस इज नॉट ए रूल. यहाँ पे ट्रांस होते हुए ई है और वहाँ पे सिस होते हुए भी ई है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, ऐसा मिलता है जनरली, जो ट्रांस जो सिस रहता है वो जेड हो जाता है, जो ट्रांस रहता है वो ई हो जाता है, राइट? बट ये रूल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. इज इट राइट? ठीक है. इसको हटाया जाए. नया पॉइंट, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर. यहां पे ये नहीं, नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड. दिस फार्मूला मीन दैट, दिस फार्मूला मीन्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू टू द पावर एन. दिस फार्मूला मीन्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू टू द पावर एन. But it can be less than 2 to the power n. तब यहां पे तो कंफ्यूजन हो गया ना कि सर कहां पे 2 to the power n लेंगे और कहां पे नहीं लेंगे, राइट?
इफ नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेंज इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड देन टोटल, आप लोग सुन पा रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 2n. अगर पेरेंट चेन का नंबरिंग दोनों तरफ से पॉसिबल नहीं है, करेक्ट, तो टोटल कितना रहेगा? 2n. लेकिन ये स्टेटमेंट हम लोग दे रहे हैं जब n का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा. अगर एक्टिव डबल, यहाँ देखिएगा, एक्टिव डबल बॉन्ड 1 रहेगा तब तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो सीस और ट्रांस, नहीं तो ई और जेड, राइट. इसका मतलब ये है 2n, तो यहाँ पे दो हो, ये फार्मूला होगा या नहीं होगा, इससे कम होगा ज़्यादा होगा, इसके लिए ये जब दो पॉइंट बना रहे हैं वो एक्चुअली उस केस के लिए जहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड 1 से ज़्यादा है. 1 रहेगा तो पक्का दो को होगा ही होगा, दो नहीं होगा, दो अगर कंपाउंड नहीं होगा तो उसको आइसोमर, फिर आइसोमर का इवेंट ही नहीं हुआ, राइट. इसका मतलब इफ नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड देन टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 2n. लेकिन ये स्टेटमेंट किसके लिए दे रहे हैं? जब n ग्रेटर देन 1, अगर n इक्वल टू 1 रहेगा तो वहाँ तो डैम श्योर, अगर कंडीशन को सर्टिफाई कर दिया तो दो तो होना ही पड़ेगा, राइट. चाहे उन दोनों का नाम सीस ट्रांस बोलेंगे, नहीं तो इजेड बोलेंगे. सेकेंड, इफ नंबरिंग इज पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड ऑफ पेरेंट चेन देन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर लेस देन 2n, देन ए स्टेटमेंट भी n ग्रेटर देन 1 के लिए. n इक्वल टू 1 अगर रहेगा तो ये मत अप्लाई कर दिया कि उस दो से कम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्टिव डबल बॉन्ड 1 है, राइट, और नंबरिंग तो इसमें दोनों तरफ से पॉसिबल है, तो हो सकता है कि दिमाग में ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा. तो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम कितना होना चाहिए था? 2 का पावर 1 मतलब 2. आप सोचिएगा 2 से कम, तो 2 से कम कितना? 1.5 या 1 बोलिएगा. 1 बोलेंगे मतलब इवेंट होगा. तो ये दोनों स्टेटमेंट किसके लिए लिखवा रहा हूँ? जहाँ पे 1 से ज़्यादा एक्टिव डबल बॉन्ड रहेगा, राइट. हो गया ना? यहां देखिए, हाउ मेनी एक्टिव डबल बॉन्ड फर्स्ट, एक्टिव डबल बॉन्ड कितना है भाई? एक्टिव डबल बॉन्ड है सर, है, राइट, ये है, ये भी है. क्या इसमें पेरेंट चेन का नंबरिंग दोनों तरफ से होगा? नो. तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना रहेगा? 2 इक्वल टू 4, करेक्ट. अच्छा, इस डबल बॉन्ड के अबाउट सीस ट्रांस पॉसिबल है? सीस ट्रांस नोमेनक्लेचर इजेड तो हर जगह होगा जहां पे एक्टिव है. सीस ट्रांस यहां पे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, एक तो सिमिलर है ना एच और एच. शाहबाज, होगा या नहीं होगा? यस, सीस ट्रांस होने के लिए दोनों सिमिलर होना चाहिए या एटलीस्ट 1? यहां पे सीस ट्रांस, तो सर इसके अबाउट या तो सीस रहेगा नहीं तो ट्रांस रहेगा, और इसके अबाउट भी या तो सीस रहेगा नहीं तो ट्रांस रहेगा, राइट. तो भाई सीस और ट्रांस और सीस ट्रांस, इसके अबाउट सीस ट्रांस दोनों पॉसिबल है, इसके अबाउट भी सीस ट्रांस दोनों पॉसिबल है. इन दोनों को मिलाकर कितना कॉम्बिनेशन? परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ लिए होंगे. तो यहां पे इसके अबाउट सीस सीस, अब वैसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एलिफेंट से कितना बर्ड बन सकता है, सर ऐसा कुछ रहता था ना, कुछ एक टर्न दे दिए. तो यहाँ पे ऑर्डर भी, तो सीस सीस और क्या रहेगा? इसके अबाउट सीस, इसके अबाउट सीस,
इसके अबाउट सिस, इसके अबाउट ट्रांस, इसके अबाउट ट्रांस, इसके अबाउट सिस, इसके अबाउट ट्रांस ट्रांस, इससे ज़्यादा सोच पाएंगे? इन दोनों को मिलाकर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज भी करते हैं तो इसका सिस, इसका सिस, इसका ट्रांस, इसका ट्रांस, इसका सिस, इसका ट्रांस, इसका ट्रांस, इसका सिस, मैक्सिमम चार ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे ज़्यादा पॉसिबल है? तो ये जो फार्मूला टू द पावर एन आया होगा, और टू द पावर एन कहीं ना कहीं से पहले फार्मूला या पहले इस टाइप का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा होगा, पहले कॉम्बिनेशन। तो यहाँ जो मैक्स टोटल चार है, उस टोटल चार का नाम यही था, जो टोटल चार यहाँ पे मिला वो चार का नाम क्या है? ये चार का नाम था दिस वन, करेक्ट, सिस सिस सिस, ट्रांस ट्रांस सिस और ट्रांस ट्रांस, इज राइट। यहाँ पे होना तो चाहिए था टू दी पावर टू मतलब फोर, बट यहाँ पे टू दी फोर नहीं होगा, बोलिए क्यों? यहाँ पे नंबरिंग दोनों तरफ से पॉसिबल है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर लेस देन फोर होगा, इज इट राइट? तो लेस देन फोर होगा, तो इसमें लेस देन फोर में कितना था? इसका तो मैं पहले बाद में एक मैथमेटिकल फार्मूला दे दूंगा, बट दो डबल बॉन्ड और तीन डबल बॉन्ड के लिए उससे ज़्यादा रहेगा तो फार्मूला से काम चलाइएगा, बट दो और तीन डबल बॉन्ड का हम लोग रट जाएंगे, डिराइव कर लेते हैं पहले। इसमें कितना होगा देखिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? लेस देन फोर होगा राइट, बट कॉम्बिनेशन तो यही था ना, सिस सिस सिस, ट्रांस ट्रांस सिस और ट्रांस ट्रांस, होना तो चार ये चाहिए था राइट? क्योंकि इसके बाद इसके यहाँ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अबाउट सिस ट्रांस, इसके अबाउट भी सिस ट्रांस, तो इसका सिस, इसका सिस, इसका ट्रांस, इसका ट्रांस, इसका सिस, इसका ट्रांस, इसका ट्रांस, इसका सिस, इसका मतलब डैम श्योर अगर चार से कम है तो कोई भी दो आपस में कॉन्फिग्रेशनली ज्योमेट्रिकली रिपीट हो गया है राइट, सेम ही है, तभी ऐसा है कि चार से कम है, करेक्ट ना? तो दूसरा क्वेश्चन तो इसमें ऐसे डेप्थ में पूछा जाएगा कि आपस में जो चार कम चार होना चाहिए था, चार से कम है, तो चार में से जो कम है उसमें कौन आपस में आइडेंटिकल है, सेम है? तो इसको मिरर मेथड से ऐसे कीजिएगा, ये आप लोग साथ डिस्कस किए किए थे क्या? ओके, मैं बताया था कि इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा, सिस 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 ट्रांस 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 सॉरी सिस 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 ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, और मिरर मेथड इसका इमेज लेना है, तो सीस और सीस का इमेज क्या रहेगा? सीस और सीस, सीस ट्रांस का इमेज क्या रहेगा? ट्रांस और सीस, ट्रांस और सीस का इमेज क्या रहेगा? सीस और ट्रांस, और ट्रांस और ट्रांस का इमेज क्या रहेगा? ट्रांस और ट्रांस, इज इट राइट? अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस ऑब्जेक्ट को सीस और सीस को इमेज में खोजना है, खुद से लिख लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, सीस और सीस को कहां खोजना है? इमेज में, इसको इमेज में खोजना है, लेकिन खोजने का तरीका है सामने को छोड़कर और ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है, कहाँ नहीं देखना है? सामने के सामने नहीं देखना है और ऊपर नहीं जाना है, तो सीस और सीस इमेज में नीचे है, मतलब ये होगा राइट, ठीक है ना एवरीवन? अब सीस और ट्रांस को आपको सर्च करना है, लेकिन सामने नहीं देखना है और ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है, तो देखिए नीचे कहीं मिलता है इमेज में? सर मिल गया राइट,
इसका मतलब है कि ये जिसका इमेज है वो एक्चुअल में कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, इसके साथ आइडेंटिकल है, करेक्ट? समझे मैंने क्या बोला? इसका मतलब सीस ट्रांस और ट्रांस सीस यहाँ पे देखिए किसके लिए अप्लाई, मिरर मेथड किसके लिए अप्लाई करेंगे, जहाँ पे पेरेंट चेन का नंबरिंग पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड, इट राइट? तो उसमें आउट ऑफ फोर कौन सा दो आपस में आइडेंटिकल है? सीस ट्रांस और ट्रांस सीस आपस में आइडेंटिकल हो गया, करेक्ट? एक कोई नया नहीं था, समझ गए? बोलिए भाई, समझ में आ गया तो दोबारा बताएंगे। इसका मतलब मिरर मेथड में ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे देखना है, सामने नहीं जाना है, ऊपर नहीं जाना है, राइट? नीचे देखना है, करेक्ट? तो टोटल टोटल जो मेट, हाँ बोलिए। चार चार से कम होगा तो चार से कम तभी होगा ना जब चार मैक्सिमम, तो चार पॉसिबल था ये, और चार से कम है, इसका मतलब है कि डैम्स योर आउट ऑफ फोर कोई भी आपस में रिपीट हो रहा होगा, आइडेंटिकल होगा। लॉजिक तो ये है ना कि चार होना चाहिए था, राइट? मैक्सिमम कॉम्बिनेशन चार बन रहा था, चार से ज़्यादा कॉम्बिनेशन सोच ही नहीं पाते, और मैं बोल रहा हूँ चार से कम है, तो चार से कम है तो कोई भी दो आपस में रिपीट हो रहा होगा, राइट? तो कौन सा दो आपस में रिपीट हो रहा है उसको चेक करने के लिए एक मिरर मेथड डेवलप कर रहा हूँ आपके लिए। उसमें करना क्या है कि जितना भी कॉम्बिनेशन है उसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो कॉम्बिनेशन चार था, कौन कौन सा? सीस सीस सीस। और फिर से बोल रहे हैं ए मेथड आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा जब दो और तीन डबल बॉन्ड रहेगा, चार और पाँच डबल बॉन्ड रहेगा तो उतना कॉम्बिनेशन आप लिख ही नहीं पाइएगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा और उतना आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, समझे? तो सर पांच डबल बॉन्ड रहेगा तब टोटल ज्योमेट्रिकल में तो पूछा जाएगा, तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल फार्मूला दे देंगे अभी, होगा? ओके, तो उसमें क्या करना है, जितना भी कॉम्बिनेशन उसको ऑब्जेक्ट बना लीजिए, एस जस्ट लाइक दिस, सी 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 ट्रांस ट्रांस सी और ट्रांस ट्रांस, और उसका इमेज इस तरफ लिख दीजिएगा। अब अभी आप जस्ट आप ऑप्टिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो हो सकता है कि आप सोचे सर इमेज तो ऐसा बनेगा इसका, वो मुझे भी पता है कि ऐसा बनेगा, बट यहाँ पे इस तरीके से सीस और सीस है तो कौन पहले है वो लिखना है, ठीक है? तो सीस और सीस का इमेज क्या, सीस और सीस, सीस ट्रांस का यहाँ बस डिस्टेंस वाला देखना है, यह स्पेशल टाइप का मिरर है। सीस ट्रांस का क्या रहेगा इमेज? ट्रांस सीस लिखिएगा, करेक्ट? बोलते ही नहीं है, समझाना स्टार्ट करते तो बोला कीजिए। और ट्रांस सीस का सीस ट्रांस, और ट्रांस ट्रांस का ट्रांस ट्रांस, करेक्ट? उसके बाद करना क्या है कि सीस और सीस एक्चुअल में इसके साथ कोई दूसरा रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए हम लोग सीस और सीस को खोजेंगे। किधर खोजेंगे? इमेज साइड में, राइट? और इमेज साइड में खोजने का स्पेशल तरीका है, सामने नहीं देखना है और ऊपर नहीं जाना है, राइट? तो सामने नहीं देखना है और ऊपर नहीं जाना है तो आप नीचे आना है, तो इसको छोड़कर नीचे आएंगे तो क्या सीस और सीस कहीं पे मिला है इन तीन में से? बोलिए नहीं, मतलब सीस और सीस किसी के साथ रिपीटेशन में नहीं है, राइट? अब सीस और ट्रांस को देखना है इमेज में, लेकिन इसके सामने नहीं देखना है और ऊपर नहीं जाना है, ऊपर भी नहीं जाना है, करेक्ट? तो देखिए तो कहीं पे मिला सीस और ट्रांस, तो सर ए मिल गया, राइट? तो जो मिल गया उसके सामने वाला इसके साथ रिपीटेशन में था, दोनों आइडेंटिकल था, करेक्ट? सब आज इसका मतलब सीस और ट्रांस, और ट्रांस और सीस डिफरेंट यहां पे था या सेम ही था? सेम था। व्हाट अबाउट और ट्रांस और ट्रांस, इसका तो आप बात ही नहीं करेंगे, रिपीटेशन में आ गया। ट्रांस और ट्रांस सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल यहाँ पे लुक्स लाइक ज्योमेट्री में लेस देन फोर, तो एक्चुअली हुआ कितना? तीन हुआ, राइट? वो तीन कौन कौन सा? सर सीस और सीस, राइट? और सीस ट्रांस और ट्रांस और सीस डिफरेंट है या सेम है? इन दोनों को मिलाकर एक पकड़ेंगे, करेक्ट? ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, समझ गए? तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक तीन है, कौन कौन सा? सीस सीस, ट्रांस ट्रांस और सीस ट्रांस या ट्रांस सीस, बोथ आर आइडेंटिकल। तो इन चार लुक्स लाइक फोर बट रहेगा कितना? तीन, ठीक है ना? चलिए इसको हटाया जाए।
हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहां पे दोनों तरफ से नंबर इम्पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है, और ऑल आर एक्टिव डबल बॉन्ड राइट, तो टू द पावर एन मतलब टू द पावर थ्री मतलब एट रहेगा करेक्ट। और उस एट का सिस ट्रांस के टर्म में नाम लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे ऐसा आएगा नहीं ना आएगा नंबर, बट फिर भी नाम लिख सकते हैं कौन कौन सा रहेगा सर, सिस 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 राइट। दो मैं बता देता हूँ, सिस 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 और ट्रांस ट्रांस ट्रांस, बाकी छः का आप लोग नाम बताइए, और देख तो सही है इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा करेक्ट। तो उस आठ का नाम यह है, और इस एट में से कोई भी आपस में रिपीटेशन में नहीं रहेगा, बजाय नंबरिंग दोनों तरफ से नहीं हो रहा है करेक्ट ना। चलिए यहाँ पे होना तो चाहिए था एट, बट एट होगा नहीं होगा, कितना होगा लेस देन एट, तो लेस देन एट कितना रहेगा, और कौन आपस में रिपीट हो गया है, मिरर मेथड से निकालिए आप लोग निकाल पाएंगे इसमें कौन कौन सा आपस में रिपीट हो गया। कितना होगा, हाँ सिक्स होगा, कैसे देखिए तो सही है या कोई रिपीट कर दिया, नहीं यहाँ पे सही लिखा मैंने एट कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट
इसको इमेज बना लेते हैं, ठीक है। इसको खोजते हैं कहीं मिला, मतलब तो ये किसी का रिपीटेशन में नहीं जाएगा, राइट। सीसीटी को देखिए तो कहीं पे है, इसको छोड़कर और नीचे आइए कहाँ पे है, ये है, मतलब इसके साथ ये आइडेंटिकल हो गया, राइट। सीटीटी कहीं पे है, इसके साथ ये आइडेंटिकल हो गया, करेक्ट। और जो आइडेंटिकल हो जाएगा उसको फिर देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कहीं पे है सीटीसी, ये किसी के साथ रिपीटेशन, किसी के साथ रिपीटेशन में नहीं जाएगा, एक देखिए तो, करेक्ट। इस तरीके से मेरे पास टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हुआ, सिक्स हो गया। कौन कौन सा, सी सी सिस, सी सिस ट्रांस, सी सी टी और टी सी सी, सेम ही हो गया, राइट, ठीक है ना। और सी टी टी और टी टी सी सेम हो गया, राइट। उसका सी टी सी, टी सी टी और ट्रिपल टी, 1 2 3 4 5 6 दिया, करेक्ट। ओके एवरीवन, चलिए लिख लीजिए। हाँ लास्ट क्लास कौन सा फिजिक्स, क्या नाम है आपका, कोई बात नहीं है, मैं पेरेंट्स को बोल दीजिएगा, क्योंकि अभी तो उसमें मैं एडिट भी नहीं कर पाऊँगा, सेव कर दिया ना। थोड़ा ऑनलाइन क्लास करते करते बच्चे भी थोड़ा इरिटेट हो गए हैं, या तो कह सकते कि घर पर बंद रहते रहते, नहीं थोड़ा अजीब सा हो गया है। आज सुबह 9 बजे 11th के एक स्टूडेंट को बुलाया, 3 स्टूडेंट का खेल बुलाया, तो 2 तो आ गए और 11th में है, तो सोचे कि जस्ट 10th के बाद 11th में गए हैं। और अब जानते ही हैं कि स्टार्टिंग में लगता है, जैसे कि सोच लगता है, चलो लेट से ज्वाइन किए, 10th के जैसा ट्यूशन रहेगा, हो जाएगा, अपने तक एक बार छूटने से बहुत पीछे छूट जाता है चीज़ें, कॉन्फिडेंस ऐसे से ऐसे हो जाएगा भाई, कोई एक महीना क्लास छोड़ के देख ले, फिर समझ में आ जाएगा कहाँ फेंका गया, नहीं अभी के टाइम पे। तो पता चला कि कॉल गया, ऑफिस से गया, क्योंकि हम लोग का टाइम तो फिक्स है ना, कि मेरा 10 बजे से क्लास है, मान लीजिए अच्छा आप लोग केमिकल एग्जाम पढ़ा रहे थे, तो 10 बजे से क्लास है, तो मैं यहाँ से फ्रेश होकर 9 बजे तक पहुँचूँगा, तो मेरा भी टाइम लिमिटेशन है, किसी को नहीं बुलाएंगे तो बैठ के पेपर बनाएंगे या कुछ ना कुछ काम करेंगे। पता लग चला कि सर मैं तो सोते ही रह गया, हम ये भाई कम से उठ जाया करो सुबह सुबह, फिर पता चला कि नहीं नहीं ऐसा शायद शेड्यूल गड़बड़ हो गया है, ऑनलाइन क्लास करते करते बच्चे का क्या हो गया, थोड़ा बच्चा का स्कूल रहता था तब ना सुबह 7:30 में उठता था, 7:30 में पहुँच गया स्कूल में, उठता नहीं था पहुँच गया स्कूल में, राइट। आप लोग नहीं, सब कुछ का इम्पोर्टेंस है, जैसे हम लोग स्कूल को इतना बोलते रहते हैं जाना पड़ता है, लेकिन सब कुछ मीडियम बैलेंस रहना चाहिए, थोड़ा जाना पड़ता है थोड़ा नहीं जाना पड़ता तो अच्छा लगता रहता, राइट। कंप्लीट बंद कर दिया गया है, बच्चे बेचारा क्या करेगा, पेरेंट्स जब भी पेरेंट्स भी घर में रहते रहते इरिटेट, कोई नहीं डांटने को है तो बच्चे को ही थोड़ा सा 2 बात बोल देते हैं,
मतलब थोड़ा सा होता है ना, एकदम बिल्कुल रूम में बंद है, बंद है, इरिटेशन टाइप का। हाँ निकल के जा सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे कहाँ निकल के जाइएगा, बहुत होगा तो 10 मिनट के लिए बाहर निकल के आइएगा, राइट। बस होप फॉर बेस्ट प्रे कर सकते हैं। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, 3 डबल बॉन्ड तक तो आप लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4-5 रहेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 2n-1 प्लस 2 के पावर p-1। मैं बता रहा हूँ कि n क्या है, p क्या है। अरे किसके लिए, इफ नंबरिंग पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग दोनों तरफ से पॉसिबल नहीं था, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। इफ नंबरिंग पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पे पी है n/2, इफ एन इज इवेन, इसको रट्टा मार लीजिएगा, और n+1/2 इफ एन इज ऑड, ठीक है ना। और एन क्या है, नंबर ऑफ, यस, एक्टिव डबल बॉन्ड, समझ गए। इसी पे पहले चेक कर लेते हैं कि इस एग्जांपल पे फार्मूला फिट बैठता है या नहीं बैठता है। नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड कितना, 2, इवन है, तो देखिए तो इवन के लिए क्या लेना था, पी का वैल्यू n/2, तो पी का वैल्यू कितना, एवरीवन n2/2 मतलब 1 ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 2 के पावर 2-1 और प्लस 2 के पावर 1-1, करेक्ट। 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0 मतलब 3, इसमें 3 आता भी था, राइट। आप लोग समझे मैंने क्या किया, ले इसको बॉक्स में कर लीजिए। यहाँ पे नंबरिंग दोनों तरफ से पॉसिबल है, नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड कितना, 3, ऑड है ना, तो पी का वैल्यू कितना लेंगे, 3+1/2 मतलब कितना, 2। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2-1, राइट, सॉरी 3-1 ना, n-1 आप प्लस 2 के पावर कितना था, p-1, कितना हो गया स्टूडेंट, तो सर ये हो गया 2 के पावर 2 आप प्लस 2 के पावर 1, 6, राइट। इसमें इसका मतलब ये सेट है, सही है, राइट। बट इसमें याद रखना मुश्किल है, बट हम लोग रट्टा मार लेंगे, राइट। चलिए नहीं रट जाएंगे, ट्राई नहीं करेंगे, रट जाएंगे। अरे इसको शॉर्ट नोट्स में रख लेंगे, कुछ तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, एक आध पेज का ज्योमेट्रिकल आइसोमर रख लीजिए। बच्चे से आप लोग नॉमेनक्लेचर का शॉर्ट नोट्स में सोचते होंगे नहीं बनाना है, नॉमेनक्लेचर का भी शॉर्ट नोट्स चाहिए, 5 पेज में ख़त्म होना चाहिए, राइट। नॉमेनक्लेचर में आप क्या भूलते हैं, मुझे लगता है कि ईथर का नॉमेनक्लेचर में आप पक्का यही भूलते होंगे कि बेस नेम क्या है और किसको पेरेंट मानते हैं, राइट। बाकी तो समझ में आ जाएगा,
ये तो पता ही है कि अल्कोक्सी अल्किन बोलना है, वैसे ही ईस्टर एस्ट, हाँ, और प्रायोरिटी लिस्ट। अब प्लस मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, सबसे ज़्यादा रूल तो आपको अल्केन तक ही मिलेगा, जितना मिलना होगा, करेक्ट। उसके बाद तो यही लिखते थे ना, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। उसके बाद हर बेस नेम का, हर कंपाउंड का, कितना कंपाउंड है भाई, हाथ पे तो गिना हुआ कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है, हाथ पे गिना हुआ फंक्शनल ग्रुप है, 3 पेज में हो जाएगा शॉर्टनेस, राइट। अगर बाई हार्ट मन से कोई लग जाए कि मुझे नॉमक्रेचर का शॉर्टनेस बना देना है, 5 पेज, तो लगता ना एकदम पहाड़ के जैसा है, रिविजन होगा या नहीं होगा ऐसा लगता होगा भाई। एग्जाम्पल की वजह से इतना वॉल्यूमनेस हो जाता है, सही से देखिएगा तो उसको बिल्कुल समरी करके 5 पेज में आ जाएगा, और वो समरी इतना ज़बरदस्त आपके लिए काम करेगा, यू कॉन्ट बिलीव। एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे आपके हाथ में 1 मंथ रहेगा और एग्जाम में बैठना है, तो 1 मंथ में 2 बार सिलेबस को रोटेशन करना पड़ेगा, तो आपके अंदर इतना विल पावर होना चाहिए कि सुबह बैठे और शाम तक पूरा केमिस्ट्री रिविजन करके बैठ गए, या ऑर्गेनिक पूरा सुबह बैठे, आज ऑर्गेनिक सुबह से शाम तक, कल फिजिकल केमिस्ट्री सुबह से शाम तक, परसों फिजिको इनऑर्गेनिक सुबह से शाम तक, इनऑर्गेनिक का तो है ही बात, फिजिक्स का वैसे ही होना चाहिए। हाँ सब कुछ जरूरी है, छोड़ थोड़े देंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में एक मैं बता रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन लास्ट के 1 मंथ पे, मंथ में फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, डेली सुबह उठकर एक टेस्ट पेपर दीजिए, फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट, फुल टेस्ट। फुल टेस्ट कब दे पाएंगे, जब सिलेबस मोटा मोटी कवर है आपका मेडिकल का, आपका मेडिकल का एग्ज़ाम तो होने वाला है मई और जून में, तब तक तो पक्का भरोसा है सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, तब तो सिलेबस फिनिश हो जाएगा, राइट। और तब तक बहुत विगरसली कैटलिस्ट में ही इतना टेस्ट ले लूँगा ना कि आपका दिमाग से नीट का टेस्ट का डर ही ख़त्म हो जाएगा, और नहीं यकीन है तो किसी दिन, 1-2 दिन के अंदर टेस्ट कैटलिस्ट में आइए, कितना टेस्ट पेपर पे कितना काम कर रहा हूँ। आप फुल टेस्ट के लिए कितना सोचते होंगे, नीट का 50 पेपर रेडी कर दिए हैं, 50 फुल टेस्ट, 25 तो इस सेशन में मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में, 50 से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए फुल टेस्ट, मतलब 2 महीना पहले डेली एक टेस्ट, कुछ सेंटर पे कुछ घर पे, कुछ सेंटर पे, और जो घर पे रहेगा वो स्टूडेंट को नहीं देंगे, पेरेंट्स को बुलाकर उनके हाथ में दूंगा, आपको लेना है घर पे होम टेस्ट, सही रहेगा ना, कुछ आप भी कर कीजिए बच्चों का, एकदम बिल्कुल टाइम से बैठाइए, और आंसर की और सॉल्यूशन 3 आवर के बाद देखिए, इतना मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ आपको भी कष्ट करना पड़ेगा, कुछ सेंटर पे कुछ घर पे, कुछ सेंटर पे कुछ घर पे, तो ऐसा टेस्ट का विग्रस टेस्ट कर देना है कि बच्चे का स्पीड हो जाए, आ जाए, क्योंकि नॉलेज वाइज हो जाएगा, बट बहुत सारे बच्चे का स्पीड बहुत गंदा है, एक क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट ले लेंगे, राइट, तो कैसे आएगा, धीरे धीरे आएगा, अचानक से स्पीड नहीं बढ़ता है, इसलिए मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा आप लोग को, जिस तरीके से चल रहे हैं तो मैं अपना मैक्सिमम देने का कोशिश कर रहा हूँ, अब उसमें है कि किसी सिस्टम पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ टाइम देखिए मैंने क्या कितना कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ऑब्वियसली अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करवा के भेजना है, बस अभी के लिए जितना बोलता हूँ, इफ एंड बट नहीं, सब कुछ मेरे पर छोड़ दीजिए, अब जितना प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं प्लीज़ उसको डू द ऑनेस्टली, नहीं बनता है, अच्छा आप लोग तो ये देखते होंगे, वर्क पार्टनर दीजिए, क्या आपसे नहीं बनता है तो मैंने क्या क्वेश्चन बनाने से मना कर दिया, जितना डाउट लेते हैं सब डाउट लेता हूँ, इस बात में किसी पर 1% का कमी करते हैं कि नहीं इतना बनाना पड़ रहा है, हार्टली एक्सेप्ट, मैं ये सोच के बनाता हूँ कि मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा दोबारा, राइट, कुछ तो नया कुछ सीखूंगा, लेकिन कम से कम आप अटेम्प्ट लेकर रहिए, आप ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपसे नहीं बना तो क्यों नहीं बना, कहाँ पे आके स्टक कर गए, राइट, तभी तो क्लियर होगा डाउट, ट्राई किए समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या होगा, जैसे कल ही बर्फ में नीलांजल बोले सर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक सोच रहा था, वहाँ पे कम सीखे तो कि फ्रिक्शन है इसे नहीं लगाएंगे, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे क्लियर होगा, अचानक से कोई रैंकर नहीं बनता है, रहता नहीं कि अच्छा रैंकर है भाई, रैंकर भी 0 लेवल से ही स्टार्ट किया होगा कभी ना कभी सफ़र, ऊपर से थोड़े सीख कर सब कुछ आया था, ऐसा तो होगा नहीं, चलिए स्टूडेंट तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए,
यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास।